ने राजधानी दिल्ली से उड़ान भरी और इस वक्त वो भूटान पहुंच चुके हैं। तो ये ताज़ा दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की भूटान यात्रा पर हैं और भूटान की धरती पर पहुंच चुके हैं, जहां गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पर हैं और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये भूटान दौरा? शायद हमारे जी, भूटान जी आपसे जानना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा? देखिए, बिल्कुल, भूटान को अगर आप देखें तो भारत हमेशा से ही भूटान को सहयोग करता रहा है। और आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी पहली विदेशी जो विजिट थी वो भूटान को लेकर ही थी, भूटान ही वो पहुंचे थे। और आज भारत और भूटान के जो संबंध है एक नई ऊंचाइयों पर है। और भारत की जी
साहब भागना भी गलत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पकड़ूँ लाइन में निकल जाएगा, लाइन में पकड़ूँ ना ये साहब, मैंने यहाँ से पकड़ूँ ना। दोनों ही देशों के राष्ट्रगान के साथ इस समारोह की शुरुआत हुई और पड़ोसी नीति प्रथम भारत की, इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री की ये भूटान यात्रा। आपको बता दें कि बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, हाइड्रो पावर, लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान और विकास सहयोग, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी भूटान के प्रधानमंत्री से संभव है। पिछले दिनों भूटान के प्रधानमंत्री भारत के 5 दिनी दौरे पर थे। प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे भूटान के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे और उसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान यात्रा पर आने का न्योता भी दिया था और ये उसी की कड़ी में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा है। दोनों देशों के बीच मित्रता और मजबूत करने की प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई जाएगी। ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं भूटान से, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुँचे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए बातचीत करते हैं। इस 2 दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई सारे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और आपको बता दें कि भारत और भूटान के संबंध वर्षों से बेहद ही सौहार्दपूर्ण रहे हैं, मित्रतापूर्ण रहे हैं और कई सारे, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो लोगों के आदान प्रदान की बात हो, कई सारे ऐसे विषय जिस पर लगातार भारत और भूटान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हमें देखने को मिले हैं। वहीं विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दोनों देश लगातार एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाते रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर अभिवादन स्वीकार करते हुए भूटान की धरती पर। आपको बताएं कि जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री भूटान जब भारत आए थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहते हुए संबोधित किया था और ये भी कहा था कि मैं बेहद खुश हूँ भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके। हाल ही में भूटान में चुनाव संपन्न हुए थे और उसके बाद भारत का दौरा किया था भूटान के प्रधानमंत्री ने और आज भारत के प्रधानमंत्री भूटान पहुंचे हैं। ये यात्रा कई दृष्टि से, कई मायनों से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बुनियादी ढांचे के विकास की हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, ऊर्जा की हम बात करते हैं,
तो हमारे पड़ोसी देशों में किस तरह से हम इन सारे क्षेत्रों का विस्तार कर सकते हैं वो बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। और ये उसी की कड़ी में एक मित्रतापूर्ण हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहला विदेशी दौरा उन्होंने किया था तो वो भूटान ही पहुंचे थे और भूटान से भारत के रिश्ते हमेशा से प्रगाढ़ रहे हैं, गहरे रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री इस समारोह से आगे बढ़ते हुए